आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंदिर पहुंचते ही किए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना, प्रमिलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर नवाया शीश। शनिवार को राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लखनऊ होंगे रवाना। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शनिवार को किए जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्थलीय निरीक्षण, तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो प्राप्त कर ब्लैकमेल करने वाले शातिर अभियुक्त को बड़हलगंज पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल, एक सिम कार्ड किया बरामद, एसपी क्राइम ने किया खुलासा, भेजा जेल। सोनबरसा स्थित महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल का एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने किया स्थलीय निरीक्षण, कहा सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक इंतजाम, चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा। शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन का टूटा रिकॉर्ड, जिला अस्पताल सहित 182 केंद्रों पर रिकॉर्ड 66,026 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 57,511 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,515 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। आजाद नगर स्थित एक किराना जनरल स्टोर पर क्रेजी कंपनी के एक्सपायरी व चीटी भरे ब्रेड बिकने पर ग्राहक ने जताई आपत्ति। क्रेजी ब्रेड के प्रबंध निदेशक नवीन अग्रवाल ने दुकानदारों से की अपील, कहा एक्सपायरी प्रोडक्ट की ना करे बिक्री, कंपनी को तुरंत करे वापस। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद आगमन के मद्देनजर शनिवार को बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, भारी वाहनों की एंट्री रहेगी प्रतिबंधित, रहेगा रूट डायवर्ट। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया असुरन मेडिकल मार्ग पर बन रहे सड़क और नाला निर्माण के कार्यों का निरीक्षण। सदर सांसद ने राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने नाले की ऊंचाई को कम करने के दिए निर्देश। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर 14 वर्ष के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने दी जानकारी। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,393। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 18 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन शामिल हुए 3,729 अभ्यर्थी, 652 ने छोड़ी परीक्षा। अभ्यर्थियों ने कहा पेपर आसान था, उम्मीद है हो जाएगा प्रवेश।